और यहाँ पे जो गर्मा गर्म न्यूज निकल के आई वीवो की तरफ से कि वीवो एक अपना बजट स्मार्टफोन फिर से लॉन्च करने वाला है जो होगा वीवो S1 के नाम से। हालांकि इसकी जो पूरी एक्सपेक्ट्स निकल के बाहर आ चुकी है उसी के बारे में करेंगे बात कि भैया हमें क्या क्या कैमरा देखने को मिलता है, प्रोसेसर क्या होगा, रैम क्या होगा, रोम क्या होगा, साथ ही साथ इंडिया में इसकी लॉन्चिंग डेट क्या होने वाली है और भैया प्राइस क्या होने वाला है। हालांकि इस कैमरे में जो आपको पॉपअप कैमरा देखने को मिलता है एक बजट स्मार्टफोन में तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। हाय गाइस, मेरा नाम है कमल, करता हूं सभी का स्वागत है एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो करिएगा, साथ ही साथ भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और हाँ बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाओगे तो जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो ठोक दो यार लाइक की बटन को और बेल आइकन की बटन को। जो वीवो का S1 होने वाला है काफी बेहतरीन का स्मार्टफोन हमें देखने को मिला है। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं डिस्प्ले की तो 6.3 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है फुल HD प्लस के साथ में। वहीं अगर मैं PPI की बात करूं तो 395 की PPI आपको देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले काफी बेहतरीन का हमें देखने वाला है बजट स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूं तो। वीवो ने शुरुआत में बम फोड़ा है, अब आगे देखते हैं और भी क्या हमें देखने को मिलता है अलग। वहीं अगर बात कर लें इसके कैमरा की तो रियर साइड में आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है जिनकी लेंसेस होने वाली हैं 12+8+5 मेगापिक्सल की। और अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट जो आपको देखने को मिलेगा वो 25 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा F2.0 अपर्चर के साथ में। साथ ही साथ आपको पॉपअप कैमरा देखने को मिल जाता है तो ये और भी बेहतरीन बना देता है वीवो के S1 स्मार्टफोन को। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लें जो निकल गया इसके प्रोसेसर से, यहाँ पर हमें बहुत ही बेहतरीन का प्रोसेसर देखने को मिला है जो है MediaTek की तरफ से, यानी MediaTek का हीलियो P70 देखने को मिलता है। आप इस प्रोसेसर के साथ चाहे जैसा गेम खेलोगे आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इस प्रोसेसर की मैं जो है टॉप क्लॉक स्पीड के बारे में बात करूँ तो 2.1 गीगाहर्ट्ज पर रन करता है प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर काफी बेहतर आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि एक ऑफ टॉप और प्रोसेसर है। नेक्स्ट ये अपडेट के बारे में बात कर लें जो निकल के है इसके एंड्रॉइड वर्जन से, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड का 9.0 पाई देखने को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। हालांकि फीचर्स में हमें और भी अपडेट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लें जो निकल के है इसके वेरियंट से, ये जो फोन होगा वो दो वेरियंट में लॉन्च होगा 4GB और 6GB, 4 के साथ 64GB और 6 के साथ 128GB। वहीं अगर नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लें जो निकल के है इसके GPU से, यहाँ पे आपको जो GPU देखने को मिलेगा वो मालिका G72 MP3 वाला GPU देखने को मिलेगा। तो आपका जो प्रोसेसर और GPU होने वाला है ना बहुत ही बेहतरीन का हमें देखने को मिल जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लें जो निकल के इसके फिंगरप्रिंट सेंसर से, यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जा रहा है। तो वीवो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट ले रहा है इस स्मार्टफोन को लॉन्च करने के बाद। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लें जो निकल के इसके बॉडी से, या इसकी जो बॉडी होने वाली है पूरी की पूरी पॉलीकार्बोनेट पर होगी तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ही बेहतर लुक देने वाला है। लास्ट एंड फाइनल फीचर्स की मैं बात करूं जो इसकी प्राइस ऑन लॉन्चिंग डेट, प्राइस का जो है वो कुछ कंफर्म नहीं बता जा रहा अभी तक वीवो की तरफ से। हालांकि इसके ऊपर मैंने बहुत ही पहले एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पे जाके देख सकते हो या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट वहां पर भी नहीं कंफर्म हुआ था और अभी तक वीवो ने कंफर्म नहीं किया, बस एक्सपेक्ट यही करा जा रहा है कि ये जो फोन होने वाला है 21,000 से 22,000 के आसपास होने वाला है। हालांकि अगर लॉन्चिंग डेट की मैं बात करूं तो आपको जून के कहीं लास्ट में ये फोन देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूं सबको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर तो करिएगा, साथ ही साथ भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और हाँ बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सायनारा, आई एम साइनिंग आउट।